नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज नालंदा से भी दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने नामांकन को उन्होंने सौंपा है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कौशलेंद्र कुमार की हैं, जो निर्वर्तमान सांसद है नालंदा के। 2014 के मोदी महालहर में नालंदा सीट को जदयू के लिए बचाने में कामयाब रहे थे, वो जदयू जो 2014 में भाजपा से अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार भाजपा के साथ गठबंधन है, एनडीए के प्रत्याशी हैं और अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन सौंपा है। उसके बाद क्या कुछ कहा है कौशलेंद्र कुमार ने, ये सुनिए। हमारे नेता विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और मजबूती से आज भी उन्होंने कहा है कि विकास अगर मैं किया हूं तो हमें मजदूरी चाहिए। हम भी जनता के बीच में जाएंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो इन लोगों ने काम किया है उस जनता के बीच में लोगों को बताने की ज़रूरत है। आज जनता, मैं समझता हूँ पूरे बिहार में आज एनडीए की हवा चल रही है और बिहार में 40 सीट इस बार एनडीए को मिलेगा। तो हौसले बुलंद हैं, जीत का दावा हर प्रत्याशी कर रहा है, मगर आखिरी फैसला तो नालंदा की जनता को करना है कि कौन दिल्ली जाएगा, कौन दिल्ली रहते हुए नालंदा की सेवा करेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। महागठबंधन से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार से कौशलेंद्र कुमार की टक्कर है। आगे देखना है कि जीत किसकी होती है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े सभी अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।